हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। अगर आप लोग एमएससी एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप आईआईटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सीयूईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या कोई और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे ना एमएससी एंट्रेंस के प्रिपरेशन के लिए आप लोगों का टाइम टेबल क्या होना चाहिए। क्योंकि हो सकता है बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, आप कॉलेज भी जाते होंगे, तो आपको कॉलेज भी मैनेज करना होता होगा। उसके साथ साथ चाहे आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो या सीयूटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो टाइम टेबल कैसे बनाए ताकि आपका प्रिपरेशन ठीक ठाक से होता रहे, इस पर आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना आप अपना गोल सेट कर लीजिए, मतलब ये ना कि किस एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो। अगर आप आईआईटी एग्जाम एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, ठीक है, आईआईटी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो या सीयूईटी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, तो पहले आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप किस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो या किसी और एग्जाम को टारगेट कर रहे हो। तो पहले आप अपना गोल सेट कर लीजिए। तो जिस भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो, तो सबसे पहला आपका काम क्या होगा, सबसे पहले ना एक बार आप सिलेबस को देख लीजिए कि सिलेबस में देखिए कौन कौन सी चीजें पूछी जाती हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना टाइम टेबल बनाना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूँ आईआईटी एग्जाम में, तो रियल एनालिसिस पूछा जाता है, लीनियर अलजेब्रा पूछा जाता है, ग्रुप थियरी पूछा जाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन है और इंटीग्रल कैलकुलस है। तो अब उसके बाद आप एक बार सिलेबस देखेंगे। सिमिलरली आप स्वेट का सिलेबस देखिए, वहां पर ये सारी चीजें पूछी जाती हैं स्वेट में। बस एक्स्ट्रा क्या यहाँ पर पूछा जाता है, आपको रिंग थियरी भी पूछा जाएगा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पूछा जाएगा, वेक्टर कैलकुलस पूछा जाएगा और उसके साथ साथ एलपीपी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वाला सिलेबस तो जैम और स्वेट दोनों में पूछा जाता है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब देखिए उसके बाद आप क्या करिए, देखिए कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है या सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर मैं आईआईटी एग्जाम की बात करूँ, तो रियल में आपके लगभग 50 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, लीनियर से 20 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से 13 से 14 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से भी वही 10 मार्क के क्वेश्चन और यहाँ से भी लगभग 10। तो ये 50 जो लिखा हो सकता है 45 to 50 जाता है, तो उस तरह से लगभग 100 का होता है एग्जाम आपका। ठीक है, तो अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रियल आधा, लगभग आधा पूछा जाता है, रियल भी काफी इंपॉर्टेंट है, लीनियर भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज्यादा आपको किसको समय देना है, रियल एनालिसिस को देना है, रियल एनालिसिस को आपको बहुत स्ट्रांग करना है। तो आप जब भी अपना टाइम टेबल बनाएंगे ना, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ना उनको ज्यादा टाइम दीजिए, क्योंकि वहां से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिमिलरली स्वेट के लिए। और इनका आप लोगों को कैसे पता चलेगा कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनका पेपर एनालिसिस देखना पड़ेगा। ठीक है, तो पेपर एनालिसिस भी मैं बताता हूँ आपको कहाँ पर मिलेगा, कैसे आपको पता चलेगा किस ईयर कितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आप अपना गोल सेट कर लीजिए कि भैया मुझे इस एग्जाम को क्रैक करना है। देन आप ना आपको क्या करना है, डेली कोशिश करिए कि 4 से 6 घंटे के लिए आपको पढ़ना है। तो आपका शेड्यूल जो भी बनाओगे, मान लीजिए आप वीकली बना लीजिए, जैसे कि आप मंडे से स्टार्ट करिए, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, आप चाहो तो संडे को भी इंक्लूड कर सकते हो। अगर संडे के दिन आपका पढ़ने का मन है तो संडे के दिन को भी इंक्लूड कर सकते हो, अदरवाइज संडे के दिन आप लोग टेस्ट दीजिएगा, ये आप कर सकते हो। तो अब मंडे, जैसे कि मान लीजिए आपने शेड्यूल बना रहे हो ना, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको टाइम स्लॉट देखना। जैसे कि मैंने क्या कहा, आप लोगों को डेली 4 से 6 घंटे आप लोगों को पढ़ना चाहिए। पढ़ने में ऐसा हो जाएगा, कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा, नए टॉपिक्स पढ़ने होंगे, रिवीजन भी इंक्लूड होगा वहां पर, क्वेश्चन के प्रैक्टिस भी इंक्लूड होगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना भी इंक्लूड होगा। तो हो सकता है कि आपके कॉलेज का टाइम जो है ना 10 से सुबह 10 से 5 बजे या जो भी हो, तो 10 से 5 का टाइम छोड़ दीजिए। अब आप जैसे कि मान लीजिए मैंने आपसे क्या कहा, आपको डेली 4 घंटे पढ़ने हैं फॉर एग्जाम्पल, तो सुबह के टाइम 2 घंटे आप मॉर्निंग में, जैसे कि मान लीजिए आप 7 से लेकर 9 बजे तक, या आप जल्दी उठ सकते हो तो जल्दी आप कर लीजिए, शाम के टाइम 6 से लेकर 8 तक, 7 से लेकर 9 तक, ऐसा कुछ आप क्या करिए, शेड्यूल बना लीजिए कि इस टाइम में आपको आईआईटी एग्जाम या स्वेट जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसी टाइम को आपको देना है। बाकी बचे हुए टाइम में आपको क्या करना है, कॉलेज जाना है, कॉलेज के जो भी होमवर्क है या कॉलेज के लिए कुछ पढ़ना है उसे आप इनके अलावा टाइम में आपको क्या करना है, एडजस्ट करना है। जो आपने टाइम डिसाइड कर रखा है कि भैया इस टाइम के लिए तो मुझे आईआईटी एग्जाम या स्वेट के लिए प्रिपेयर करना है, तो उस टाइम में उसको ही प्रिपेयर करिए। ठीक है, तो ऐसे आपको डेली एटलीस्ट 4 करना है, 4 घंटे आपको पढ़ना है। तो 4 घंटे पढ़ना है, ऐसा नहीं कि 4 घंटे आप लेकर बैठो कुछ भी करो, नहीं, 4 घंटे जब आप पढ़ोगे तो आप मोबाइल वगैरह दूर कर दीजिए या स्विच ऑफ करके रख दीजिए। तो आप इन 4 घंटे में पूरी तरह से पढ़ाई पर फोकस रहना है, कुछ यहाँ वहाँ सोशल मीडिया यूज करना है, ये करना वो करना बिल्कुल नहीं, जो करना है सिर्फ पढ़ना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, नए क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, रिविजन करने हैं। ठीक है, तो
उस हिसाब से आपको क्या करना है, अपना शेड्यूल बनाना है। हो सकता है कि पर्सन टू पर्सन वेरी करे, हो सकता है किसी स्टूडेंट को सुबह पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता तो सुबह पढ़ लें, किसी को शाम को पढ़ना अच्छा लगता तो शाम को पढ़ लें, किसी को रात में जाके पढ़ना अच्छा लगता तो रात में पढ़े। बस आपको क्या करना, आप जिसमें कंफर्टेबल हो ना उस हिसाब से आप शेड्यूल बनाइए, ठीक है। और आप ना क्या करें, पहले तो आप देखिए ना कि समझो सब्जेक्ट में आप ज़्यादा वीक हो, उस सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करिए और उसको ज़्यादा टाइम दीजिए। फॉर एग्जाम्पल रियल में आप ज़्यादा वीक हो तो रियल को आपको ज़्यादा टाइम देना है, तो ऐसे आप अपनी कमियां पहले निकालिए, ठीक है। और जैसे कि यहाँ क्या दिया गया है, सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज करिए, मतलब यहाँ पर आपको क्या करना है, वेटेज के हिसाब से देखना है, जो ज़्यादा वेटेज के पूछे जाते हैं ना उनको आप ज़्यादा टाइम दीजिए। जैसे कि अगर मैं एग्जाम की बात करूँ, सबसे ज़्यादा आपको रियल को टाइम देना है, फिर लीनियर को टाइम देना है, फिर आप इक्वली टाइम दे सकते हैं ग्रुप थियरी को, डिफरेंशियल इक्वेशन को दे सकते हैं और आईसी को, इनको इक्वली टाइम देंगे, लेकिन रियल को सबसे ज़्यादा, उसके बाद लीनियर को, और इनको इक्वली टाइम आपको देना है। तो आपको सिंपली क्या करना है, वेटेज देखना है कि वेटेज जिस एग्जाम में कोई भी सब्जेक्ट कितने मार्क्स का पूछा जा रहा है, कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसके हिसाब से आप उसको टाइम दीजिए, ठीक है। और रही बात की आपको वेटेज कहाँ से पता चलेगा, या पेपर कहाँ से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेंगे, एग्जाम में किस टॉपिक पे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को आईएफएस कैप में मिल जाएगा। सिंपली आप क्या करिए, प्ले स्टोर से आईएफएस कैप डाउनलोड कर लीजिए, अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करते वक्त आपको एग्जाम क्या सेलेक्ट करना है, आईआईटी एग्जाम मैथमेटिक्स। तो उसके बाद जब आप रजिस्टर कर लेंगे, आईआईटी एग्जाम मैथमेटिक्स में जाइए, वहाँ पर लर्न फ्री में जाइए, तो वहाँ पर जैसे ना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो, पेपर एनालिसिस देख सकते हो, कट ऑफ देख सकते हो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो, रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हो, ये सारी चीज़ें आप लोगों को आईएफएस कैप में बिल्कुल फ्री मिलेगा। जैसे कि आपको पता करना ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक से किस ईयर में कितने क्वेश्चन पूछे गए, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता चलेंगी। सिलेबस आप देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अभी तक जितने भी एग्जाम हुए सारे आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, नए क्वेश्चंस की भी आपको यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अगर आप लोगों ने अभी तक आईएफएस का ऐप नहीं डाउनलोड किया तो डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए आप रियल एनालिसिस लिए, तो रियल एनालिसिस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कि अच्छा ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, तो पहले आप एक टॉपिक को पिक करिए, पहले उस टॉपिक को आप स्ट्रॉन्ग करिए, उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करने के बाद फिर अगले टॉपिक पे जाए। तो इस तरह आपको क्या करना है, सब्जेक्ट में भी टॉपिक को पिक करना है और एक एक को स्ट्रॉन्ग करते हुए आगे बढ़ते रहना है। जैसे रियल के लिए मैंने बताया, सिमिलरली बाकी सब्जेक्ट के लिए भी आपको ये करना है, ठीक है। और जैसे कि मान लीजिए ना, ऐसा नहीं कि आज ही बैठे आप टाइम टेबल बना लिया, आज मुझे पूरा रियल पढ़ना, नहीं, रियल में आपने उठा लिया, चलो ठीक है आज आप सिक्वेंस करेंगे, आप सीक्वेंस करेंगे, दूसरे दिन सीक्वेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रिजल्ट और प्रॉपर्टी करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो इस तरह आपको क्या करना है, सब पार्ट में डिवाइड करना हर एक सब्जेक्ट को सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और उसके बाद ना हर एक टॉपिक को पढ़ने के लिए जैसे एक डेडलाइन रखिए, मान लीजिए अगर कोई कॉन्सेप्ट आपसे ना ज़्यादा टाइम ले रहा है क्लियर होने में, कोई बात नहीं, उसे टाइम दीजिए, बट डिसाइड रखिए अच्छा आज के दिन मुझे सिक्वेंस एंड सीरीज के 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, या आज के दिन सिक्वेंस एंड सीरीज के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसे मुझे सॉल्व करने। तो ऐसे एक डेडलाइन बनाइए, हो सकता है कि थोड़ा बहुत आगे पीछे, कोई दिक्कत नहीं, बट एक आप ना टारगेट मन में लेके चले कि भाई आज मुझे ये पढ़ना है और इतना कवर करना है, ये करना बहुत ज़रूरी है, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ चले। क्योंकि जब आपका फरवरी में जैम का एग्जाम होगा, मार्च में स्वेट का एग्जाम होगा, तो अगर इस तरह से आप प्रिपेयर करके चलेंगे ना तो फरवरी और मार्च में आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा एग्जाम, ठीक है। तो ये था मेरे साइड से, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, बेसिकली हम ये कह सकते हैं आप अपना सुविधा के अकॉर्डिंग आपको एक प्लान बनाना है, कॉलेज टाइम में जाना है, इतने टाइम पर क्वेश्चन के प्रैक्टिस करना है, इतने टाइम पर रिवीजन करना है, तो एक प्रॉपर प्लान बना लीजिए, जो जिस भी टाइम में आप ज़्यादा पढ़ने में कंफर्टेबल है ना उस टाइम पर आप करिए। ऐसा नहीं कि आपको मॉर्निंग में 4 बजे ही उठ के पढ़ना है, अगर आपको दोपहर में पढ़ना अच्छा लगता है दोपहर में ज़्यादा समझ में आता है दोपहर में पढ़िए, अगर मॉर्निंग में अच्छा लगता है मॉर्निंग पढ़िए, रात को जग के पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है उस टाइम पर पढ़िए। बट ओवरऑल यही कहना है कि आपको क्या करना है, 4 से 6 घंटे डेली आपको प्रॉपर फोकस होकर इन एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन में इतना है, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।